Good morning, my dear children. This is your English teacher. And today we are going to start our next chapter of our grammar portion. बच्चों आज हम अपने English grammar का next chapter start करने जा रहे हैं. And the name chapter of our is adjective degree of comparison. In the previous class we read about the adjectives. And today we are going to start our we are going to read degree of comparison of adjective. आज हम in हमारी class में last class में हम लोगों ने adjectives के means बारे में पढ़ा था. आज हम उसी के एडजेक्टिव्स के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. मींस एडजेक्टिव को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, कैसे कैसे कंपेयर किया जा सकता है, वी विल रीड अबाउट इट. सो फर्स्टली आई टोल्ड यू द अच और स्मॉल रिव्यू ऑफ एडजेक्टिव. एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ऑफ अ नाउन. इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन. एडजेक्टिव क्या होता है? एक क्वालिफाइज जो है पैरामीटर होता है नाउन का. मीन्स नाउन का एक पैरामीटर होना दैट मीन्स शो करना उसकी मॉडिफाइंगनेस. मीन्स उसको वो किस टाइप का है, उसकी गुड थिंग और बैड थिंग के बारे में बताता है हमें कौन? एडजेक्टिव. वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में? नाउन के बारे में. ओके और जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है वो क्या होता है? वी यूज देयर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव टू कंपेयर और शो हाउ दे डिफरेंट टू ईच अदर. वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है. एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हमको ये सब पता चल जाएगा. तो फर्स्टली आई टोल्ड यू देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज. फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री. मींस नाउन जो एडजेक्टिव वो किस लेवल को जाकर टच करता है. अगर पॉजिटिव डिग्री को टच कर रहा है तो वहाँ पे कोई निगेटिवनेस नहीं होना चाहिए. कंपैरेटिव डिग्री को टच कर रहा है अगर नाउन, तो वहाँ पे टू थिंग्स या टू पर्सन होने चाहिए. दो लोगों के कंपैरिजन के बिना जो है कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी एडजेक्टिव की. लास्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, दैट मीन्स अ सुपर जुपर वर्क और अ पर्सन of a person and a thing. Means सबसे best thing, best person, best जो भी है आपका सबसे best होना चाहिए. वो किस में काउंट होगी? आपकी superlative degree में. So I'll give you the detail of the all degrees. Okay, first is positive degree. The positive degree is an adjective in its simple form. Positive degree क्या होती है? Adjective की simple form होती है. जैसे small, कोई चीज़ छोटी है, स्मॉल डॉल, स्मॉल हेयर्स, स्मॉल आइज, बिग आइज. सो मीन्स सिंपल जो आपका एडजेक्टिव होगा दैट इज़ इंक्लूडेड इन पॉजिटिव डिग्री एंड दैट विल नॉट बी अ निगेटिव. वो क्या नहीं होना, क्या होगी? निगेटिव नहीं होगी. इट शुड बी पॉजिटिव फॉर्म, है ना. वो किस फॉर्म में होना चाहिए? पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए एडजेक्टिव को. सो दैट विल बी अ पॉजिटिव, दैट विल बी काउंट इन अ पॉजिटिव डिग्री. इट यूज टू डिनोट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटीज. वो किसका चीज का बताता है, किसको डिनोट करता है? पॉजिटिव डिग्री किसको डिनोट करती है? पॉजिटिव फॉर्म्स को ही डिनोट करती है. इट इज यूज वेन नो कंपेरिजन इज मेड. और इसमें इसका किसी से कंपेरिजन नहीं होना चाहिए. मीन्स किसी भी चीज़ का, किसी थिंग, किसी पर्सन, किसी एनिमल, किसी का भी हम नाउन, किसी नाउन का कंपेरिजन अगर किसी से नहीं करेंगे और निगेटिवनेस नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए वो, तो इट विल बी अकाउंट इन अ पॉजिटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ टॉल बिल्डिंग. ये क्या है? एक टॉल बिल्डिंग है. देखो तो निगेटिव सेंटेंस नहीं हुआ पहली बात तो, ठीक है, नॉट नहीं है यहाँ पर. सेकेंड थिंग इज दैट कि टॉल बिल्डिंग है, मीन्स इसका एडजेक्टिव क्या है? थिंग इज नाउन, नाउन इज है बिल्डिंग एंड एडजेक्टिव ऑफ बिल्डिंग इज टॉल. ओके और यहाँ पे कोई भी टू नाउन्स नहीं है, देर इज ओनली अ सिंगल नाउन. ओके बिल्डिंग इज अ सिंगल नाउन. सो यहाँ पे किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो टॉल इज अ पॉजिटिव डिग्री. ओके तो जो टॉल वर्ड है, टॉल इज अ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एंड निगेटिव इज अ, देर इज अ एडजेक्टिव, देर इट्स एडजेक्टिव इज अ पॉजिटिव डिग्री. ओके ये किस में काउंट होगी? पॉजिटिव डिग्री में. एप्पल्स आर स्वीट टू टेस्ट. All right. Next आपका आता है comparative degree. Comparative degree as we sound कर रहा है, जैसे कि comparative. Comparative means compare करना. जब दो चीज़ें क्या होता है, देखो firstly I told you denote comparative degree.
A comparative degree, a comparative degree denotes the existence of a higher degree of the quality in the one of the two nouns being talked about. अगर हम किसी दो चीज़ों के बारे में, two nouns के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों का एक दूसरे से comparison अगर हम कर रहे हैं, तो that will be count in a comparative degree. Suppose this is example, this building is taller than any other building. ओके, सो यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है, एनी अदर बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का किससे कंपैरिजन हो रहा है, अदर बिल्डिंग से कंपैरिजन हो रहा है. तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, टॉलर. ओके, ये बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से ज़्यादा लंबी है, तो टॉल इज़ अ सॉरी पॉजिटिव डिग्री एंड टॉलर इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री. ऑल राइट, नेक्स्ट इज एप्पल्स आर स्वीटर देन पियर्स. अब देखो यहाँ पे एप्पल का किससे कंपैरिजन हो रहा है, पियर्स से. तो क्या है यहाँ पे, एप्पल जो है वो किससे पियर्स से ज़्यादा स्वीट है. मीन्स तो यहाँ पे स्वीट इज़ अ पॉजिटिव डिग्री, किस में कंपेयर हो जाएगी, कन्वर्ट कंपैरेटिव है, मीन्स स्वीट से ये बन जाएगी स्वीटर. ओके, नेक्स्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, सबसे बेस्ट थिंग को डिनोट किया जाता है से. सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ मोर देन टू पर्सन और थिंग्स. ठीक है, जैसे टू थिंग्स या टू मोर देन टू थिंग्स में सबसे जो बेस्ट क्वालिटी होगी, सबसे बेस्ट पर्सन होगा, सबसे बेस्ट थिंग जो होगी टू और मोर देन टू पर्सन्स में से, सो दैट विल बी काउंट इन अ सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री एज वी साउंड जैसा कि हम सुन रहे हैं, सुपर होना चाहिए. सुपरलेटिव मीन्स सुपर थिंग, सुपर पर्सन, सुपर आइडियाज, इस टाइप से जो भी होगा सुपर कैटेगरी में जो आएगा वो हो जाएगा आपका मोर टू और मोर देन टू पर्सन में, टू और मोर देन टू में से जो भी सबसे सुपर होगा वो इट विल बी अकाउंट इन अ सुपरलेटिव डिग्री. सपोज दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग. ठीक है, वहाँ पे सपोज बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन एक जो बिल्डिंग है वो सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है, सो वो किस में काउंट हो जाएगी, सबसे टॉल. और मीन्स उसमें EST फॉर्म है, हम जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें EST लगा देंगे तो वो बन जाएगा टॉलेस्ट. ओके, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, नॉट इन टू अ टू थिंग्स में हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम सबसे बेस्ट थिंग यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी चूज़ कर रहे हैं, तो दैट विल बी सुपरलेटिव डिग्री. वो क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, जस्ट लाइक अ टॉलेस्ट बिल्डिंग. मीन्स बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, टू और मोर देन टू बिल्डिंग्स में से अगर हम काउंट कर रहे हैं कि सबसे लंबी बिल्डिंग कौन सी है, तो जो बिल्डिंग सबसे ज़्यादा लंबी बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग होगी, तो वो हो जाएगी टॉलेस्ट बिल्डिंग. एप्पल्स आर स्वीटेस्ट फूड. हम अब किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी नहीं बता रहे हैं, ना ही कंपैरिजन कर रहे हैं, हम उसकी सुपर जुपरनेस को, जो थिंग है उसको बता रहे हैं कि सबसे एप्पल जो है सबसे स्वीटेस्ट थिंग है. ओके, सबसे ही मीठा थिंग है. ओके, सो दीज आर द डिग्रीज आर हेयर. हेयर इज़ अ सम एग्जाम्पल ऑफ द थ्री डिग्रीज ऑल्सो. जॉनी इज काइंड. ठीक है सर, हाँ, जॉनसी इज काइंड. जॉनसी कैसी है, काइंड है. हमें यहाँ पे देखिए पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिव थिंग शोइंग इज देयर इज अ देयर थिंग पॉजिटिव थिंग इज शोइंग, सो दैट देयर इज नो कंपेरिजन, सो दैट इज अ पॉजिटिव डिग्री. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जॉनी इज काइंडर देन रोजी. वो किस क्या, अब देखो रोजी से उसका कंपैरिजन हो गया, तो कंपैरिजन में क्या होता है, लास्ट में ER लग जाता है. ओके, तो हमने फर्स्ट फॉर्म जो थी हमारी पॉजिटिव की, उसमें हमने ER लगा दिया, तो क्या हो गया, ये हमारा जॉनी इज काइंडर देन रोजी. एंड लास्ट इज जॉनी इज द काइंडेस्ट टू ऑल. अब रोजी भी है और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो बट उनमें सबसे ज़्यादा काइंड कौन है, जॉनसी है. तो जॉनसी इज़ अ काइंडेस्ट टू ऑल, सभी में से सबसे अच्छा काइंड, मतलब काइंडेस्ट, सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट पर्सन कौन है, जॉनसी. तो हमने यहाँ पे अब क्या लगा दिया, काइंड काइंडर, और अब आ जाएगा काइंडेस्ट, EST लगा दिया हमने. सो ये बन गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री. ओके,
here are some example of the degrees, so we can read it and understand it. हम इसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं. सम आर देयर एंडिंग विद द ER और EST. समथिंग आर ER और EST, समथिंग आर एंड ST, समथिंग आर चेंज, समथिंग सम डिग्रीज आर चेंज बाई द R और ST. जैसे पेल, पेलर, पेलेस, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइसेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, नाइस, नाइस, नाइसेस्ट. Some degrees are like that. We have to add not we cannot add their ER or EST at the end. We have to use their more and most. कुछ degrees ऐसी होती हैं जिसके end में हमें ER या EST से नहीं उसको कंपेयर करना होता है या इसको सुपरलेटिव बनाना होता है. कुछ ऐसे डिग्रीज होती हैं यहाँ पे वी हैव टू यूज़ देयर मोर एंड मोस्ट. मीन्स सुपर आपकी जो पॉजिटिव डिग्री तो जो है नॉर्मल फॉर्म में जो रहती है वो रहेगी, सेम रहेगी, बट अगर कंपेरेटिव कर रहे हैं तो उसके आगे हमें मोर लगाना पड़ेगा. जैसे एक्टिव है तो एक्टिव एक्टिवर नहीं आएगा और ना ही एक्टिविस्ट होगा. यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव से मोर एक्टिव हो जाएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट एक्टिव हो जाएगा. अट्रैक्टिव का अट्रैक्टिवर और अट्रैक्टिवेस्ट नहीं होगा, अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव और मोस्ट अट्रैक्टिव. ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होगा, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री विल बी अ मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव विल बी मोस्ट ब्यूटीफुल. ओके, सम एडजेक्टिव्स आर इन द डिग्रीज आर नॉट सेम. कुछ कुछ जो एडजेक्टिव्स हैं हमारी डिग्रीज में वो सेम नहीं होते हैं, चेंज करते हैं जब हम, उसमें कुछ कुछ चेंजेस होते हैं. जैसे यहाँ पर एक वाई वाला है, देखिए कॉस्टली का क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर और कॉस्टलीएस, ई एस टी लग गया इसमें, आई ई आर और ई एस टी लग रहा है. और ड्राई का ड्रायर हो जाएगा और ड्राइस्ट हो जाएगा, ई आई ई आर, वाई हट कर क्या हो जाएगा, आई ई आर और आई ई एस टी. ओके, सो दिस this is the chapter of degrees, comparison of degrees our. So you have to read it in your notebook. I'll send you the picture of this chapter. Okay, we will meet in the next video. Bye, take care.